कभी कभी समय की कमी होने के कारण हम कोई ऐसी क्विक रेसिपी बनाना चाहते हैं जो कि जल्दी तो बने ही और स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे बैगन फ्राई की रेसिपी जो थोड़े से अलग मेथड से मैंने बनाई है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 400 ग्राम बैंगन चाहिए। तो इस रेसिपी के लिए आप किसी भी तरह का बैंगन ले सकते हैं, किसी भी कलर का बैंगन ले सकते हैं। ध्यान बस ये रखिए कि उसे आधे इंच के टुकड़ों में इस तरह से काट के हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने लंबे शेप का बैंगन लिया है जो कि इस तरह से दिखता है। बीच में कट करने के बाद उसे इस तरह से काट के मैंने तैयार कर लिया है। बैंगन को काटने के बाद जितने भी सूखे मसाले हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डाला है मैंने 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जाएगा धनिया पाउडर। इसके साथ ही इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक डाला है। अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच के लगभग लिया है मैंने, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले अच्छी तरह से बैगन के ऊपर लिपट जाए उसके लिए यहाँ पर तेल ऐड कीजिए 2 छोटी चम्मच के लगभग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रेटेड लहसुन। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटेड लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। डाल देते हैं सबको। अब सबको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, मसाले अच्छी तरह से बैगन के ऊपर लिपट जाए, लहसुन का फ्लेवर आ जाए इनमें। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, आप हाथों से भी इसे मिला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बैगनों के ऊपर कितनी अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब हम इसे फौरन बनाना शुरू करेंगे, इसे रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम किया है, इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल। इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना हो तो आप कोई भी रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल जैसे अच्छा गरम हो जाए इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ और 1 पिंच हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। सबको अच्छी तरह से भून लीजिए लो फ्लेम पर। लगभग 1/2 मिनट में ये भून के तैयार हो जाते हैं। तो जैसे मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हमने जो बैगन को मैरिनेट करके रखा था इसी स्टेज पे हम उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए, और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है मैंने। अब कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुका है। अब हम बैगन को बिना ढके ही पकाएंगे। बैगन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसके लिए पहला 5 मिनट ज़रूर इसे कवर करके पकाइए ताकि बैगन अंदर से पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि अच्छा क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पे बैगन को देखिए पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इनकी ऊपरी लेयर अभी भी सॉफ्ट है जो कि हमें क्रिस्पी करनी है। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे लगभग 2 मिनट भून लिया है हमने। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च को रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब लगभग 1 मिनट के लिए और इसे भूनेंगे। और यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हुए हैं, बहुत ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बने हैं ये देखिए। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कीजिए, लंच बॉक्सेस में पैक करके दे सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आपको बहुत पसंद आएगी। सिंपल और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए stay healthy, stay blessed, and thank you for watching.